How are you all? I hope you all are fine. Now welcome to the second video lecture of standard 7, chapter number 4, heat. Okay? Heat humne padh liya tha. What is heat? It is the form of energy which transferred between the system as well as the object. Object or system ke bich mein jo energy transfer hoti hai usko hum bolenge heat. डिग्री ऑफ हॉटनेस को मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर यूज करते हैं. हमने ऑलरेडी क्लिनिकल थर्मोमीटर देख लिया है, दैट इज यूज फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लेबोरेटरी थर्मोमीटर. देखो, लेबोरेटरी थर्मोमीटर नेम इटसेल्फ सजेस्ट दैट दिस थर्मोमीटर इज मेनली यूज्ड इन लेबोरेटरी. ओके, जब बॉडी के अलावा बहुत सारे सब्सटेंस जो होते हैं उसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमको लेबोरेटरी थर्मोमीटर की जरूरत पड़ती है. ओके, जैसे कि हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर में देखा था कि उसका रेंज था फ्रॉम 35 to 42 डिग्री सेल्सियस. लेबोरेटरी थर्मोमीटर का रेंज है फ्रॉम -10 to 110 डिग्री सेल्सियस. ओके, फ्रॉम -10 to 110 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये बहुत बड़ा रेंज है. तो और वो भी जैसे कि क्लिनिकल थर्मोमीटर की तरह वो भी बहुत बड़ा है. देखो, इस तरह का होता है. ओके, यहाँ पे इसका बल्ब एकदम लंबा होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे रीडिंग आते हैं, और यहाँ पे इसका बल्ब होता है और इस तरह से होता है. ओके, देखो, और इसमें फ्रॉम -10 to 110 डिग्री सेल्सियस तक इसमें भी रीडिंग होते हैं. ओके, नाउ ये मेजर करता है बहुत सारे सब्सटेंस के. जैसे कि हम एक्टिविटी 4.4 में आप लोग देखोगे तो एक बड़ा सा लेबोरेटरी थर्मोमीटर दिया और यहाँ पे मग दिया है जिसमें वाटर भरा हुआ है. ओके, तो ये मेजर करता है इसको वाटर के टेम्परेचर को. क्या करना है, पहले इसको यहाँ से ऐसे ही वर्टिकली होल्ड करना है. वर्टिकली होल्ड आप करोगे तो धीरे धीरे आप लोग देखोगे तो यहाँ से जो मर्क्यूरी लेवल है वो इंक्रीज होगा. मर्क्यूरी लेवल इंक्रीज होते होते जहां पे वो स्टेडी हो जाएगा, मतलब वो हमारा रीडिंग है. आई होप आप समझ गए. हम लोग को ऐसे वर्टिकल पोजिशन में रखना है हाथ. ओके, वर्टिकल पोजीशन में इसलिए रखना है ताकि हमको एक्यूरेट और करेक्ट रिजल्ट मिले. जैसे हम वर्टिकल पोजीशन में इसे रखेंगे, धीरे धीरे हम देखेंगे तो ये मर्क्यूरी लेवल ऊपर जाएगा. और जैसे ही मर्क्यूरी लेवल ऊपर जाएगा, जब वो स्टेडी होगा, उसका मतलब है वो हमारा पानी का जो हमने वाटर यहाँ पे भर रहा है वो हमारा टेम्परेचर है, वाटर टेम्परेचर. ओके, जो भी रीडिंग मिलता है. इसमें भी प्रिकॉशन ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है. क्या चीजें प्रिकॉशन, मतलब जो हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर में देखा था कि बिफोर यूजिंग द लेबोरेटरी क्लिनिकल थर्मोमीटर विच प्रिकॉशन शुड बी टेकन, तो क्लिनिक लेबोरेटरी थर्मोमीटर में भी कौन से प्रिकॉशन लेने की जरूरत होती है. फर्स्ट, द पोजिशन ऑफ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर शुड बी वर्टिकल, नॉट टिल्टेड. शुड बी वर्टिकल, नॉट टिल्टेड. टिल्टेड मतलब टेढ़ा नहीं होना चाहिए, सीधा होना चाहिए. क्या होना चाहिए? सीधा. सेकेंड थिंग, सेकेंड प्रिकॉशन, द बल्ब शुड बी सराउंडेड बाय द सब्सटेंस हूज टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड. जिसका टेम्परेचर हम मेजर कर रहे हैं वो सब्सटेंस के बल्ब के आसपास अच्छे से सराउंडिंग होना चाहिए. ऐसा नहीं कि पानी यहाँ पे है और आप लोगों ने थर्मोमीटर ऊपर रखा है, ऐसा नहीं चलेगा. पूरी तरह से अंदर इमर्ज कर देना है, पूरी तरह से डुबा देना है, तभी जाके हमको उसका टेम्परेचर पता चलेगा. ओके, आई होप आप लोगों को एक्टिविटी 4.4 समझ में आ गई है. अब हम आगे एक्टिविटी 4.5 देखते हैं. सो स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 4.5. और एक्टिविटी 4.5 में आप लोग देखोगे तो हमको सेम प्रोसीजर करनी है जो हमने एक्टिविटी 4.4 में की थी. हमको एक बीकर लेना है और बीकर में पानी भरना है. ओके, पानी भरना है और उसमें लेबोरेटरी थर्मोमीटर को डीप करना है इस तरह से. ओके, ये हमारा बल्ब है. प्रिकॉशन क्या लेना है कि हमको लेबोरेटरी थर्मोमीटर को वर्टिकल पोजीशन में रखना है, टिल्टेड नहीं होना चाहिए, और ये जो उसका बल्ब है वो पूरी तरह से पानी के अंदर इमर्स्ड होना चाहिए, डूबा हुआ होना चाहिए. ओके, अब देखो, जैसे हम यहाँ से पकड़ के इसका टेम्परेचर मेजर करेंगे, अगर हम लोगों ने कुछ नोट डाउन किया कि हाँ ये इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, हमने देखा कि इसका 50 डिग्री सेल्सियस है, तो जैसे ही हम इसको बाहर निकालेंगे ये टेम्परेचर सडनली ड्रॉप हो जाएगा. मतलब ये जो लेवल है सडनली ड्रॉप 50 to 40 हो जाएगा, 40 से 30 हो जाएगा. इसका मतलब है कि हमको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा. हमको एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, हमको करेक्ट रिजल्ट चाहिए, तो हमको कब नोट डाउन कर लेना है, हमको
फॉर्मेट, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर दोनों समझ में आ गया होगा। दोनों बहुत सिंपल है, सिर्फ फिगर याद कर लो और उसकी रेंज याद कर लो। जैसे उसमें 35 to 42 था, इसमें -10 to 110 degrees Celsius। ओके, अब हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हमारा आगे का टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ हीट। देखो, मैंने आप लोगों को बोला था हीट जो है वो एक एनर्जी है, तो वो ट्रांसफर होती रहती है। जैसे कि हम लोग कोई कुछ भी गर्म कर रहे हैं यूटेंसिल को, तो जैसे जैसे आप देखोगे तो हमारा यूटेंसिल को हम टच करेंगे वो गर्म हो गया है, क्योंकि वो हीट जो है वो यूटेंसिल में ट्रांसफर हो गई है। जैसे ही आप वहां पे गर्म करना छोड़ दोगे तो धीरे धीरे देखोगे तो हमारा यूटेंसिल जो है वो ठंडा होता जाएगा। क्यों ठंडा हुआ है, वो ठंडा होने के रीजन क्या है, ठंडा होने के पीछे उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो यूटेंसिल्स होता है उसमें जो हीट होगी वो फ्रॉम यूटेंसिल्स टू जो सराउंडिंग है वहां पे ट्रांसफर हो गई है, ठीक है। मैंने पहले ही समझाया था कि हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती रहती है, मेनली फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोलर ऑब्जेक्ट। ओके, फ्रॉम हॉटर टू कोलर। तो जैसे कि ये हमारा यूटेंसिल गर्म था, हमने वहां पे उसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो धीरे धीरे वहां जो हीट थी वो सराउंडिंग में ट्रांसफर हो गई, तो वो कूल हो गया, क्योंकि सराउंडिंग था वो कूल था। तो फ्रॉम हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोलर ऑब्जेक्ट, कूलर ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसी तरह से जो हीट है वो ट्रांसफर होती रहती है। नब देखो, एक्टिविटी 4.6 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो या तो स्टेन लेंगे या तो दो ब्रिक लेंगे। ईट आती है ना, ईट, ऐसे दो ईट को ऐसे रखना है। मैंने रफली ड्रॉ किया है, आप लोग बुक में से देख के फेयर ड्रॉ करने की ट्राई करना। ओके, ये स्टेन या तो फिर उसकी जगह आप ब्रिक भी ले सकते हो, दो ईट ले सकते हो। उसके बीच में हमको एक रोड रखना है, मेटल रोड, आप आयरन रोड ले सकते हो, आयरन का रोड ले सकते हो। यहाँ पे रोड पे हमको वैक्स चिपकानी है, छोटे छोटे डिस्टेंस पे हम वैक्स चिपकाएंगे और उसके एक एंड में हम कैंडल जलाएंगे। क्या करेंगे, दो ब्रिक लेंगे, ब्रिक के बीच में रोड रखेंगे, आयरन रोड या तो कोई मेटल रोड। मेटल रोड रखने के बाद हर डिस्टेंस पे यहाँ पे हम वैक्स चिपकाएंगे। ओके, वैक्स चिपका के फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक कैंडल रखा हुआ है, तो यहाँ पे एक कैंडल रखेंगे और ये कैंडल को हम लाइट करेंगे, उसको जलाएंगे, बर्न करेंगे। जैसे हम कैंडल को बर्न करेंगे, ये हीट है वो ट्रांसफर होगी फ्रॉम वॉटर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट, ये ट्रांसफर होगी फ्रॉम वॉटर टू कोल्डर, ये ट्रांसफर होती है। तो ये हीट जब यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगी तो ये वेट पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पिघल के नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा, फिर यहाँ ट्रांसफर होगी तो ये वेक्स पिघलेगा, फिर यहाँ ट्रांसफर होगी तो ये, और फिर यहाँ ट्रांसफर होगी तो ये वेक्स पिघलेगा। ये एक्टिविटी करने के पीछे हमारा कंक्लूजन क्या है, हमारा कंक्लूजन ये है कि हीट जो है वो ट्रांसफर होती रहती है फ्रॉम वॉटर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट, वॉटर टू कूलर वो ट्रांसफर होती रहती है। इसीलिए ये जैसे ही ट्रांसफर हो रही थी हमारा 1/1 वैक्स जो है वो पिघल रहा था, मेल्ट हो रहा था। ओके, आई होप आप लोग समझ गए हो। तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है, वेन दी हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कंडक्शन। क्या बोलेंगे इसको, कंडक्शन। और मेनली कंडक्शन है वो सॉलिड सब्सटेंस में होता है। व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन, एंड कंडक्शन इज मेनली सीन इन द सॉलिड सब्सटेंस। ओके, आई होप आप लोगों को कंडक्शन समझ में आ गया। अब देखो, और एक चीज हम समझते, देखो हम क्या करेंगे, एक पानी का बीकर लेंगे और उसमें गर्म पानी डालेंगे, क्या डालेंगे अंदर, हॉट वाटर, क्या डालेंगे, हॉट वाटर। अब आप लोग ट्राई करना, आप लोग एक अंदर स्केल डालना, ओके, जैसे कि आप लोगों ने एक स्केल डाली है, फिर आप लोग अंदर पेंसिल डालना, क्या डालोगे, पेंसिल, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी पेंसिल है, ओके, और आप लोग अंदर एक डिवाइडर डालना, जैसे कि ये ऐसा कुछ डिवाइडर होता है ना आप लोगों का, मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ, ऐसा कुछ डिवाइडर होता है ना, ऐसा कुछ, तो ये डिवाइडर डाल देना। देखो गर्म पानी है तो आप लोग थोड़ी देर के बाद इसको टच करना, इसको टच करना और इसको टच करना। हमारी स्केल है वो प्लास्टिक से बनी हुई है, हमारी पेंसिल है वो वुड से बनी हुई है, और हमारा डिवाइडर है वो आयरन से बना हुआ है। ओके, जब आप इसको टच करोगे थोड़ी देर बाद तो ये ठंडा ही होगा,
टच करोगे तो वो गरम नहीं हुई है, बट आप जब डिवाइडर को टच करोगे तो उसका दूसरा पोर्शन है वो गरम हो गया है। दैट मींस कि कोई कोई सब्सटेंस हीट को ट्रांसफर करते हैं, कोई कोई सब्सटेंस हीट को ट्रांसफर नहीं करते। जो सब्सटेंस हीट को ट्रांसफर करते हैं दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्या बोलेंगे इसको? गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब जो सब्सटेंस हीट को ट्रांसफर करते हैं वैसे सब्सटेंस को हम बोलेंगे गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और जो सब्सटेंस हीट को ट्रांसफर नहीं करते उसको बोलेंगे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। क्या बोलेंगे? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, अब गुड कंडक्टर ऑफ हीट में हम एग्जांपल दे सकते हैं आयरन, ओके, कॉपर, एल्यूमिनियम। दीज आर द एग्जांपल ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट में हम एग्जांपल क्या दे सकते हैं? प्लास्टिक एंड वुड। प्लास्टिक एंड वुड आर द एग्जांपल ऑफ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, दोनों चीजें समझ में आ गई। यहाँ पे हमने देखा कि हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है, तो ये कंडक्शन प्रोसेस हो रहा है। अब कंडक्शन प्रोसेस तो दो तरह के हो गए, किसमें होगा? जिसमें जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा उसी में कंडक्शन प्रोसेस होगा। तो जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम वगैरह गुड कंडक्टर ऑफ हीट थे तो उसमें कंडक्शन प्रोसेस हुआ। और जो दूसरा है जैसे कि पेंसिल था, हमारा स्केल था, ये प्लास्टिक और वुड से बना था, दीज आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो इसमें कंडक्शन प्रोसेस नहीं हुआ है। ओके, और अब हमने देखा है कि वाटर एंड एयर आर ऑल्सो द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हमको पता है पानी और एयर दोनों पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, तो वो हीट को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर करते होंगे, ये भी हमारे दिमाग में सवाल आता है। जैसे कि वाटर है वो, और जो एयर है वो पुअर कंडक्टर है, फिर हीट को कैसे ट्रांसफर करते हैं? तो वो क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। इसके रिलेटेड पीडीएफ आएगी, वो आप लोगों को सर्व करनी है। कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, डू वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।